हमारे देश पे संकट की घड़ी आई है, कोरोना काल आया है, ये युद्ध स्तर से भी कहीं ना कहीं वो युद्ध काल से भी भयंकर काल है, तबाही का वो मंजर आज हम देख रहे हैं, कारण है कोरोना वायरस। लेकिन तस्वीरें आज आपको जम्मू के चन्नी हिम्मत से दिखा रहे हैं, जहां पर आपको सीधे तौर पर ये बता दें कि किस प्रकार अभी स्थिति जो है उत्पन्न हुई है और किस प्रकार यहां पर लिक्वर शॉप्स के बाहर जो है लोगों की कतारें लग चुकी हैं, पुलिस प्रशासन हरकत में आ रहा है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर पुलिस उन तमाम लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है जो यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर लगे हुए हैं, खड़े हैं, सुबह से ही लोग खड़े हुए हैं। कड़कती धूप है लेकिन लोग जो है इसकी परवाह भी नहीं कर रहे हैं, लोग गर्मी की परवाह भी नहीं कर रहे हैं और पुलिस को इन तमाम लोगों को हटाने की यहाँ पर जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और यहाँ पर आप तमाम लोगों को देख सकते हैं, कतार कहाँ से शुरू हुई है मैं आपको तस्वीरों में पहले दिखा दूँ कि ये कतार जो है काफ़ी लंबी कतार है और इतनी लंबी कतार है कि ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन धूप जो है कड़कती है और कड़कती धूप जो है उसमें भी ये लोग सुबह से खड़े हैं। तमाम लिक्वर शॉप्स के बाहर इसी तरह का मंजर आज सुबह से ही देखने को मिल रहा है। ज़रा कैमरा घुमाइए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है कहीं पे आपको, यहाँ पर लग रहा है कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है, लोग एकदम बिल्कुल साथ साथ खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग ना के बराबर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ से ये कतार शुरू हुई है और ये जो कतार है लिक्वर शॉप के बाहर की है, कोई खाना नहीं बांट रहा है, कोई राशन नहीं बांट रहा है, सड़कों पर लोगों का इस प्रकार से हुजूम ये बयां कर रहा है कि लोग कोरोना की परवाह किए बिना इसी तरह से यहाँ पर अपने बल का प्रयोग भी करना पड़ रहा है। देखिए पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है और जहाँ तक भी हम नज़रें अपनी दौड़ाते हैं हर तरफ हमें लोग ही लोग नज़र आते हैं। क्या ये लॉकडाउन 4 है? हमें नहीं लगता है। क्या ये लॉकडाउन 4 है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपको सहयोग देना है, आपको आर्थिक रूप से जो आप कमज़ोर महसूस कर रहे हैं उसको मजबूती देनी है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये देखना है कि आप अपने स्वास्थ्य की कैसे चिंता करते हैं, आप इस कोरोना काल से कैसे बचते हैं। ये देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, आक्रोशित भी हैं ये लोग। लेकिन सीधे तौर पर मैं आपको बता दूँ ये विजुअल्स जो हैं छन्नी हिम्मत के एक वाइन शॉप के बाहर के विजुअल्स हैं। यहाँ पर काफ़ी लंबी कतार जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी किस प्रकार ये जो कतार है कहाँ तक जा रही है और किस प्रकार यहाँ पर पुलिस को हरकत में आना पड़ रहा है। स्केयर्स बना दिए गए हैं, बिल्कुल यहाँ पर स्केयर्स जो है वो बनाए गए हैं और स्केयर्स बनाते हुए इन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए यहाँ पर पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। आप चारों तरफ नज़रें अगर दौड़ाएंगे तो आपको हर तरफ लोग ही लोग नज़र आएंगे। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है, लोगों को कह रही है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लोगों को ये कह रही है कि आप दूरी बनाकर रखिए, दो गज दूरी है ज़रूरी। और देखिए हर तरफ जहां भी आप नज़र दौड़ाएंगे या तो गाड़ियां नज़र आएंगी, या तो टू व्हीलर व्हीकल नज़र आएंगे, या तो लोग नज़र आएंगे। क्या ये लॉकडाउन 4 है? हमें नहीं लगता है, जवाब ज़रूर दीजिए क्या ये लॉकडाउन 4 है। हालांकि प्रशासन ने शुरू में अनुमति नहीं दी थी तमाम लिक्वर शॉप्स को खोलने की। देखिए पुलिस किस तरह से हरकत में आई है, तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से पुलिस अब लोगों को कह रही है कि आप दूरी बनाएं। ये देखिए जम्मू के छन्नी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि सुबह से यहाँ पर लोग खड़े हैं और यहाँ पर सुबह से जिन दुकानों को खोलने की अनुमति मिली थी उन दुकानों के बाहर इसी तरह से कतारें देखने को मिल रही हैं। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये लॉकडाउन लग नहीं रहा है। हम जहाँ तक भी अपनी नज़रें दौड़ा रहे हैं, देखिए पीछे भी कुछ लोग हैं, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी आप कैमरा घुमा कर दिखाइए, जहाँ तक भी नज़रें घुमा रहे हैं ये कतार लंबी होती जा रही है और लोग बढ़ते जा रहे हैं। लोग सुबह से ही यहाँ पर आए थे और लोग यहाँ पर इसी तरह से कतारों में लगे हैं और जो लोग कतारों में नहीं है वो बिल्कुल सामने खड़े हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी, ये देखिए हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल सामने ये लोग तस्वीरों में खड़े हैं। इनसे बात करूँगी, भैया कब से खड़े हैं? हो गया कोई एक घंटा। धूप बहुत तेज़ है, गर्मी नहीं लग रही? गर्मी तो लग रही है सर। किस तरह से यहाँ पर आप लोग एक साथ साथ खड़े हैं, डर नहीं लग रहा है? कोरोना काल चल रहा है। डिस्टेंस है सर, सोशल डिस्टेंस है,
कोरोना से डर नहीं लग रहा? लग तो रहा है, घरों से बाहर आए? हाँ जी, अभी आज कोई आप 2 महीने के बाद निकले हैं। 2 महीने के बाद निकले हैं। चलिए, ये कितनी लंबी कतार है, देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर मौजूद है। हर तरफ लोग ही लोग आपको नजर आएंगे। ये सामने अगर मैं आपको विजुअल्स दिखाऊं तो यहाँ पर भी आपको लोग नजर आएंगे, हर तरफ लोग ही लोग नजर आए हैं। और ये छन्नी के यहाँ से विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस को यहाँ पर हरकत में आना पड़ा, और पुलिस जो है हरकत में आते हुए ये कतार यहाँ से शुरू हो रही है। ज़रा दूर तक नज़र आप अपनी दौड़ाइएगा, कहाँ से ये कतार जो है वो शुरू हो रही है। बहुत लंबी कतार है, गाड़ियाँ भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं, और एक कतार है, और कुछ लोग जो कतार में नहीं खड़े हैं वो सामने खड़े हैं। 1 किलोमीटर का दायरा देखिए अब किस तरह से, चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग हैं, हर तरफ यहाँ पर लोगों का हुजूम सा लग पड़ा है। और सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने के लिए तमाम पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद हैं, जो लोगों से कह रहे हैं कि दूरी बनाए रखें, लोगों से कह रहे हैं कि आप यहाँ पर जो तमाम स्केयर्स हैं वहाँ पर देखिए, आप सामने भी लोग देख सकते हैं, ये लोग लाइन्स में नहीं हैं, ये अपनी लाइन्स में नहीं लगे हैं, लेकिन यहाँ पर ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप चारों तरफ के दृश्य जम्मू से देख रहे हैं। चलिए इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? हाँ जी, क्या बात है? कुछ नहीं, 3-4 घंटे से सुबह से खड़े, इनको डिस्पेंसरी को बना के देंगे, लाइक लाइन से तो मिलेगा ना, ऐसे करके बच्चों एक दुकान खोल कह रहे कि सोशल डिस्टेंस नहीं है। नहीं है, कहाँ डिस्पेंसर है, कोई देखो ना, आपने खुद कैमरा लगा के देखो, कोई डिस्टेंस नहीं है यहाँ पे। डिस्टेंस बनाएंगे तो फिर कुछ आराम से सबको मिल जाएगा ना। आप कह रहे हैं कि लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आए हैं तो उनको अपना जिम्मेदारी समझना होगा। हाँ जी, हाँ जी। कब से खड़े हैं? हमको 4 घंटे सुबह। बहुत तेज है, गर्मी नहीं लग रही? क्या करें फिर, सभी दुकान खोलेगा तो मिलेगा सबको बराबर से, एक दुकान खोल के बैठे क्या मिलेगा? कोरोना से डर नहीं लग रहा? कोरोना क्या, ये जिंदगी का कोरोना है, क्या डरेंगे क्या आप? पीने के लिए खोले तो, नहीं तो डरने तो हम भी। ये जिंदगी का कोरोना है, जिंदगी का कोरोना है। ये देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, सड़कें भर चुकी हैं लोगों से, सोशल डिस्टेंसिंग ना के बराबर है। जम्मू के छन्नी से आपको दृश्य दिखा रहे हैं, एक तरफ गाड़ियां हैं, एक तरफ 2 व्हीलर हैं, और एक तरफ लोग हैं, और ये लीकर शॉप के बाहर के विजुअल्स हैं। किस तरह से ये लोग यहां पर अभी एकत्रित हुए हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। ये देखिए यहां पर स्केयर्स बनाए गए हैं, लेकिन एक स्केयर पर दो दो बंदे खड़े हैं, दो दो व्यक्ति खड़े हैं एक स्केयर पर, ये एक व्यक्ति के लिए एक स्केयर, 2 या 3 लोग खड़े हैं वहाँ। यहाँ पर अगर हम कह लें पुलिस प्रशासन समझाने की कोशिश कर रहा है, सामने कुछ लोग खड़े हैं जो देखिए कहूँगी कि ये देखिए ये हमारे कोरोना वॉरियर हैं, ये भी धूप में ही खड़े हैं काफ़ी दिनों से, जब से कोरोना काल की शुरुआत हुई है ये भी तब से धूप में खड़े हैं, लेकिन इनकी भी कोई सुन नहीं रहा है। इसी तरह से ये तमाम सुरक्षा बल अपनी ड्यूटी देते हैं, लेकिन इनकी भी कोई सुन नहीं रहा है, और लोगों को ये समझाने की सुबह से कोशिश कर रहे हैं, और लोग सुनने का नाम नहीं ले रहे, लोग समझने का नाम नहीं ले रहे। ये देखिए, हालांकि इस प्रकार स्केयर्स बना दिए गए थे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए, अब यहाँ पर लोग किस प्रकार खड़े हैं हमें लग नहीं रहा है, ये लॉकडाउन 4 है, किस प्रकार लोग यहाँ पर खड़े हैं, जिस तरफ भी आप नजरें घुमाएंगे हर तरफ आपको लोगों का हुजूम है, ये नॉर्मल डेज नहीं है, ये देश का संकट काल है, कोरोना काल है। ये देखिए अब तो लोग खुद एक दूसरे को पीछे कर रहे हैं, ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है। प्रशासन ने इसी चीज़ के डर से यहाँ पर कहा था कि हम लिक्विड शॉप्स नहीं खोलेंगे, क्योंकि प्रशासन को डर था कि काफ़ी लोग एकत्रित हो जाएंगे, और प्रशासन ने इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखा। रियायतों का दौर लॉकडाउन 4.0 में शुरू हो गया, केंद्र सरकार ने रियायतें दी, प्रशासन ने रियायतें दी, और यहाँ पर अगर हम कहें छन्नी हिम्मत से मैं आपको विजुअल्स दिखा रही हूँ, तमाम लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। ये देखिए किस प्रकार के दृश्य यहाँ पर हैं, हमने कभी सोचा नहीं था कि जम्मू का ये हाल होगा। जम्मू को पहले रेड जोन घोषित कर दिया गया, उसके बाद ऑरेंज जोन, और अब स्थिति किस प्रकार है जम्मू के छन्नी हिम्मत में, आप दृश्यों के माध्यम से ये समझ सकते हैं। हर तरफ लोग ही लोग हैं, और हर तरफ हमारे सुरक्षा बल लोगों को समझाते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप अगर घरों से बाहर निकल कर आए हैं तो आपको खुद की सुरक्षा करनी होगी,
ये कोरोना काल है, इसमें कोरोना वायरस की कोई वैक्सीनेशन इजाद नहीं की गई है, ये आपको समझना होगा। लापरवाही बरतेंगे तो आपके लिए और आपके परिवार के लिए घातक हो सकता है। लेकिन कुछ लोग हैं अभी भी बाहर आ चुके हैं और उन लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर पुलिस जो है वो समझा रही है। कुछ लोग स्केयर्स में भी खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से एक के ऊपर एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, किस तरह से लोगों को पसीना भी आ रहा है, गर्मी भी बहुत है, कड़कड़ाती धूप है आज जम्मू में। लेकिन ये लोग किस प्रकार यहाँ पर खड़े हैं, काफ़ी लंबी कतार है। जहाँ तक भी हम नज़रें दौड़ाएंगे हमें सिर्फ कतारें ही कतारें यहाँ पर नज़र आएंगी और हर तरफ हमें लोग ही नज़र आएंगे। अमूमन जब नॉर्मल डेज होते थे तब भी इतना रश नहीं होता था इस इलाके में, ये हम क्लियर कर दें। लेकिन आज जिस प्रकार अनुमति मिली है तो जिसका डर था वही हो रहा है। यहाँ पर किस तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है आप देख सकते हैं, हर व्यक्ति एक व्यक्ति के साथ खड़ा है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। हालांकि जब पुलिस आती है तो ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में समझ जाते हैं कि हमें स्केयर्स में खड़े होना है। इस प्रकार के स्केयर्स जो हैं यहाँ पर बनाए गए हैं जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन जो है वो किया जा सके। लेकिन जहाँ पर भी आप नज़रें दौड़ाएंगे वहाँ पर आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे। तस्वीरें मैं आपको जम्मू के छन्नी हिम्मत से दिखा रही थी और ये दिखा रही थी कि जम्मू की इस प्रकार अब स्थिति क्या है। लॉकडाउन फोर बरकरार है, रियायतों का दौर बरकरार है, प्रशासन ने रियायतें दी हैं, छूट दी है। लेकिन आज वीको शॉप्स खुली हैं, उसके बाद किस तरह से लोगों का हुजूम छन्नी हिम्मत के यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।